सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज हम निकल चुके हैं एक और नए लोकेशन पर आप लोगों के लिए। हम हो क्या है, लगभग 3:30 बजे का समय है। थोड़ा थोड़ा धूप कम है यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुका है, जिसके वजह से ना निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। बिना शाम के अभी से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मार्च का महीना चल रहा है और इतना तेज़ गर्मी, और इतना तेज़ गर्मी कि बता ही नहीं सकते आपको। बिहार का शराब फैक्ट्री जो है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो दिख रहा होगा वहाँ पर है शराब फैक्ट्री बिहार का। वो आज से 6 साल पहले गाइस खुला था, 6-7 साल पहले खुला था। 2016 में शराब बंद हुआ है बिहार में, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बंद किया था 2016 में। तो वो शराब बंद होने के 2 साल पहले गाइस वो खुला था, 2 साल पहले वो शराब फैक्ट्री खुला था। वो देख सकते हो आप उस जगह, भाई साहब मतलब क्या ही हुआ कि शराब फैक्ट्री खुला। हमारे बिहार में एक ये शराब का कारखाना है और एक आगे, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वो एक और कारखाना है शराब का गाइस। बहुत ही अच्छा सोच है हमारे बिहार सरकार का। तो देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरह का शराब फैक्ट्री दिखता है और इसका मेन गेट गाइस आगे से है। तो बहुत ही बड़े एरिया में था गाइस, बहुत ही बड़े एरिया में। ये वाला जो गेट दिख रहा होगा आपको, ये वाला गेट इसका मेन गेट था। देखो अभी किस तरह बंद पड़ा है, पुराना है और मुश्किल से मुझे लगता है 2 साल चला, उसके बाद 6 सालों से ये बंद पड़ा है। बरसात के टाइम में ये नदी बहुत ही ज़्यादा भरा रहता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और बिहार में भी ऐसे बहुत सारा खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह गाइस, जो मैं आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप हमारे वीडियो को देखते जाओगे, आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। और अभी थोड़ा सा देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होता होगा व्लॉग में, ये इस वजह से क्योंकि मैं भी न्यू व्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा समझा करो। और प्लीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा, मेरे गलती को ना बताया करो आप कि कहाँ गलती कर रहे हैं। आप अगर बताओगे नहीं तो फिर हम कैसे सुधार करेंगे यार, तो इसलिए हमारी गलती को ना ज़रूर बताया करो। हमारे एरिया में भी बहुत पहले ही हो चुका है सौंदर्यकरण, नहर सबका। नहर मतलब कि अगर एक नदी है गाइस, कोई बड़ा सा एक नदी है और वहाँ से खेतों सब के बीच में पानी पहुँचाया जाता है, तो वो नहर के बदौलत ही पहुँचाया जाता है। और ये सुविधा गाइस बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है कि एक बड़ा सा नदी है, वहाँ से आप नहर को अच्छे ढंग से रिपेयर कराओ और वो नहर के द्वारा आप अपने खेतों में पानी पहुँचवा सकते हो। अभी पूरे जगह, हर जगह खेतों में गेहूं का फसल लगा हुआ। इतना सुंदर रोड है यार, बहुत ही मज़ेदार रोड। टाइम हुआ करता था जब हमारे दोस्त लोग आते थे इस जगह पर फ़ोटो शूट कराने के लिए। आज से 2-3 साल पहले हमें फ़ोटो शूट का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो इस जगह आते थे हम लोग फ़ोटो शूट कराने के लिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको उस जगह फ़ोटो शूट कहाँ पर हम लोग कराते थे। और गाइस सोचो, मैं अपने घर से इतना दूर आता था फ़ोटो शूट कराने के लिए। हमारे 2-3 मित्र लोग इधर आते थे, फ़ोटो शूट कराते थे, फिर उसके बाद शाम में घर जाते थे। इतना दूर, देखो इस जगह का लोकेशन, यही जगह है जहाँ पर हम लोग फ़ोटो शूट कराते थे। पहले ये पूल इधर से था, इस जगह हम लोग खड़े हुए थे, पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, इस जगह से हम लोग फ़ोटो शूट कराते थे और पूल उधर से ही था गाइस। अब ये पूल बन चुका है, नया हो गया ये पूल को बना हुआ 3-4 साल, तो पूरा पानी रहता था। अभी तो बहुत ही ज़्यादा सूख गया, सूख नहीं गया, अब पानी है ही नहीं, ख़त्म, सब ख़त्म। तो ये देखो, ये शायद कितने हज़ार का तार है, पता नहीं 33,000 का होगा मेरे ख्याल से, बताना कमेंट में कितने हज़ार का गाइस ये तार। सो गाइस, हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं, हाईवे पर। और ये देखिए, ये कौन सा कारखाना है मुझे नहीं पता, अभी इधर न्यू खुला है कुछ दिन पहले। ये देख सकते हो आप गाइस, कौन सा कारखाना है पता नहीं। बिहार में इस रोड में गाइस बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज, बहुत ही ज़्यादा आप व्यू है यार, ये देखो ग्रीन 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 ग्रीन, वाव। तो वो रहा गाइस रेलवे स्टेशन, मैं दिखा नहीं पाया अच्छे से, यहाँ से दिखेगा शायद, वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन, वहीं पे हम लोग उतरते थे। कोशिश करूँगा हमेशा व्लॉग करते रहूँ, हमेशा वीडियो डालते रहूँ, बस आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सपोर्ट करना गाइस। हम आ चुके हैं रेजोन, ग्रैप्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ट्रक वाले के पीछे चलना मतलब खतरे से भरा नहीं है, ना ही ये जल्दी साइड देंगे, साइड के लिए हॉर्न दबाओ, ये देखना, तो ये स्पीड बढ़ाएंगे अपना। कुछ इस तरह का हमारा मार्केट है गाइस नानी घर का,
देख सकते हो हमने ग्रैब्स खरीद लिया, अब निकलते हैं अपने नानी घर की ओर। कैसे लेंगे यू टर्न और मुड़ जाएंगे अपने नानी घर की ओर। मैंने पीछे रेलवे स्टेशन दिखाया आपको जहाँ हम लोग उतरते थे, और अगर कोई लोकल ट्रेन यहाँ पर रुकती है गाइस तो हम यहाँ पर भी उतर जाते हैं। जो लोकल ट्रेनें होती है वो यहाँ पर रुकी जाती है गाइस, ये वहाँ पर हॉल्ट है। आपका भाई अभी नया है तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर लेना, सारे बंदे हर जगह शेयर कर देना। इसके लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, बाय गाइज़।